वेलकम स्टूडेंट्स, गाइड फार्मा लाइन में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल पे हम फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फार्माकोथेरेपेटिक्स, जो कि नया सब्जेक्ट इस साल डी फार्मा सेकेंड ईयर में ऐड किया गया है, उसके चैप्टर सेकेंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर सेकेंड का सिलेबस देख लेते हैं। चैप्टर सेकेंड में आपको ढेर सारी डिजीजेज दी गई हैं, जिसकी डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स पढ़ना है। इस सेक्शन में सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीजेस दी हुई हैं, जिसमें हम आज हाइपरटेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है? जब हमारा हार्ट पंप करता है तो क्या होता है, जब हमारा हार्ट जब पंप करता है तो वो आर्टरीज पे एक प्रेशर लगाता है। जैसे ही आपको, अगर आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, तो आपकी जो ये वेसल्स हैं, ये आर्टरीज हैं, इसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन जब वो ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो कुछ प्रेशर उन आर्टरीज पे लगाता है, उस प्रेशर को ही हम ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ठीक है। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन, जब इसी ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, मतलब क्या है, हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। मतलब वो जो प्रेशर जो कि ब्लड लगा रहा था आर्टरीज पे, वो बढ़ जाए, उस कंडीशन को ही हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन कोई बीमारी नहीं है, हाइपरटेंशन एक सिम्टम्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो आपका ये ब्लड वेसल है, इसमें जो ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, ये जब ब्लड फ्लो करता है तो इस ब्लड वेसल में जब ब्लड फ्लो करता है तो ये कुछ प्रेशर आपकी वेसल्स पे लगाता है। जब वो जो वेसल्स पे प्रेशर लगता है उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब यही प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, और ये प्रेशर नॉर्मल जो होता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल होता है, जब प्रेशर नहीं लगता है, उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी ब्लड प्रेशर को अगर आप नापेंगे तो आप, अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपका जब बीपी चेक करता है तो वो दो मेज़रमेंट लेता है। आपको जब भी डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको दो मेज़रमेंट बताएगा। तो उस दो मेज़रमेंट को क्या बोलते हैं हम? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जो हम बीपी मेज़र करते हैं वो दो फॉर्म में मेज़र करते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स पुट ऑन द आर्टरीज एज द हार्ट बीट, मतलब जब हमारा हार्ट बीट कर रहा है, धड़क रहा है, तो उस समय उसने जो फोर्स आर्टरीज पे लगाया उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट मीन्स जब आपका हार्ट क्या है, आर्टरीज पे जो प्रेशर लगा रहा है बीट करते समय, तो आपका जो क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। मतलब आपका जो प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। कोई भी चीज़ अगर ये है कि डायलेटेड है, लेकिन अगर ये सिकुड़ रही है, श्रिंक हो रही है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ब्लड प्रेशर में, जब भी आप ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जो हाइएस्ट अमाउंट होती है वो हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को दिखाता है, ठीक है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है? 120 mmHg। अब ये mmHg क्या है? ये mmHg है, इसके मेजरमेंट की यूनिट है mmHg, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन आर्टरीज When the heart is resting, मतलब जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो वो, अब जब ब्लड को पंप किया तो वो क्या हुआ? श्रिंक हुआ। जब वो श्रिंक हुआ तो वो अपने नॉर्मल स्टेज में भी आएगा, यानी वो हार्ट अपने नॉर्मल, जैसे वो श्रिंक हुआ तो अपने नॉर्मल स्टेज में भी आएगा, अपनी शेप को रिटेन करेगा, उसी को बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब इस कंडीशन में आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा है, इस प्रेशर को, इस चीज़ को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 80 mmHg, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप बताएंगे 120/80 mmHg, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है, हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है? बेसिकली हाइपरटेंशन दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसी को हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और ये नॉन रिलेटेड टू अदर मेडिकल कंडीशन, ये मतलब किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, जब आपकी बॉडी में वो डिजीजेस होती हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। उसके बहुत से रीजंस होते हैं, बहुत से डिजीजेस ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन किसी भी डिजीज से रिलेटेड नहीं है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका कॉज क्या क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि अगर आपके फादर को हुआ है, आपकी मदर को हुआ, तो आपके होने के चांसेस भी होंगे उसमें, ये हुआ जेनेटिक्स। डाइट, डाइट की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। एज, एज रिलेटेड भी हाइपरटेंशन है, एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हाइपरटेंशन है, ठीक है। डाइट, एज और लाइफस्टाइल का मतलब क्या, मतलब इसको आप अगर इन जनरल समझें तो अगर डाइट में आप हाई अमाउंट ऑफ फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लाइफस्टाइल, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हो, तो हाइपरटेंशन होने के केस आप चांसेस आप में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, जब आपका जो ब्लड प्रेशर है किसी डिजीज़ की होने की वजह से बढ़ रहा हो, मतलब क्या है, ये डिजीज़ स्पेसिफिक कंडीशन हो, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके कॉजेज़ क्या क्या है, अगर आपको कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन कोई यानी हार्मोनल कोई डिजीज़ है, एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो प्रेगनेंसी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर किसी ड्रग की वजह से। अब ड्रग क्या है, कुछ ड्रग्स जैसे नसेड्स वगैरह होती हैं जो कि हाइपरटेंशन को बढ़ाने का काम करती है, या फिर कुशिंग सिंड्रोम है, इन सभी के कारणों से आपका हाइपरटेंशन होता है। और इस टाइप के हाइपरटेंशन को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको डिजीज़ की इटियोपैथोजेनेसिस पढ़नी है। इटियोपैथोजेनेसिस की अगर आप नॉर्मल टर्म में जानेंगे तो इसका मतलब होता है कॉजेज एंड डेवलपमेंट। तो क्या इसका कॉजेज और डेवलपमेंट है, और क्या मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे साइन और सिम्टम्स इसका क्या है। तो अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स, यानी किससे आप पता लगाएंगे कि वो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो पहला होता है हमारा हेडेक, दूसरा होता है हमारा फटीक, तीसरा होता है हार्ट पाल्पिटेशन, नाउजिया, ब्लर्ड विजन। ये सारे क्या हैं, ये नॉर्मल जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है। अभी क्या है, एक साइन और सिम्टम्स में कन्फ्यूज़न होती है, साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है। देखिए, सिम्टम्स वो चीज़ है जो पेशेंट खुद से ऑब्जर्व करे, मतलब जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो जैसे मान लीजिए आपके ब्लरिंग विजन है, आपको हेडेक हो रहा है, तो ये चीज़ें आपने खुद से महसूस की हैं, तो वो हुआ सिम्टम्स। अब जब डॉक्टर के पास आप जाओगे और डॉक्टर आपका ईसीजी करेगा, आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करेगा, तो ये सब आते हैं सिम्टम्स, यानी उस डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, साइन वो होता है जो डॉक्टर चेक करता है, और सिम्टम्स वो होता है जो आप खुद से फील करते हो, उसे हम सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके कोर्स में जो इटियोपैथोजेनेसिस दी हुई है वही होती है आपका रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसको किस किस लोगों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एज होते हैं, एज्ड पेशेंट, तो एज के साथ साथ आपका हाइपरटेंशन होने का चांसेस बढ़ेगा। लाइफस्टाइल, अगर अपनी लाइफस्टाइल में आप ज़्यादा फैट और सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हो तो हाइपरटेंशन होगा। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो आपको हाइपरटेंशन होगा। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो हाइपरटेंशन होगा। ओबेसिटी, अगर आपको मोटापा है तो हाइपरटेंशन होगा। अगर आपको स्ट्रेस है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, जिसको हमने जेनेटिक्स में बोला था वही, अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। या फिर कोई ड्रग्स में हमारे यहाँ पे देखेंगे हम नसेड्स हैं, और
जो हमारी नसेट्स है, ये सभी ड्रग्स क्या होती है, हमारी हाइपरटेंशन करने का काम करती हैं। और है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कॉन्ट्रासेप्टिव स्पिल्स होती हैं जो कि ओरली खाते, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पिल्स होती है, वो भी हाइपरटेंशन को बढ़ाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हाइपरटेंशन में कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं हाइपरटेंशन की, जिसमें मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो रेंज आती है उसी के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हेल्दी, जो हेल्दी पर्सन है उसका नॉर्मल हाइपरटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, 120 से 80 mmHg। अगर एलिवेटेड है यानी बढ़ा हुआ है तो 20 से 29, और लेस देन 80 अगर सिस्टोलिक प्रेशर है, अगर सिस्टोलिक प्रेशर है आपका 120 to 129 और डायस्टोलिक प्रेशर है आपका लेस देन 80, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेटेड। ठीक है, स्टेज वन हाइपरटेंशन की क्या होती है, जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 हो जाए एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्टेज वन। स्टेज टू क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर 140 से अबव हो जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अबव हो जाए, तो वो होता है हमारा स्टेज सेकेंड। अब इन सभी के बाद आती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, या फिर इसी को हम बोलते हैं सीवियर हार्ट हाइपरटेंशन। उसमें क्या होता है, जो आपकी सिस्टोलिक लिमिट है वो 180 से भी ऊपर हो जाएगी और डायस्टोलिक लिमिट आपकी 110 से ऊपर हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा कुछ कैटेगरीज हैं जो कि डिवाइड की गई हैं हाइपरटेंशन की, जो लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज जो डिवाइड की गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके नेक्स्ट सिलेबस में दिया हुआ है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप दवाइयों के बगैर किसी भी डिजीज को कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब देखिए, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, आप दवा खा रहे हो, लेकिन सिर्फ दवा के भरोसे डॉक्टर कभी नहीं बोलता कि आप रहिए। आपको वॉक करने को बोलता है, आपको एक्सरसाइज करने को बोलता है, आपको सोडियम इनटेक, ये सारी चीज़ें जो कि आपको थोड़ा अमाउंट में कम खाने को बोलता है। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिससे, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम हाइपरटेंशन को दवाइयों के अलावा भी ठीक कर सकते हैं, या फिर दवाइयों के साथ भी हमें इन चीज़ों को फॉलो करना होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, जो आपकी पुरानी दिनचर्या थी, पुरानी जो आपकी लाइफस्टाइल थी उसमें आप मॉडिफाई कर रहे हो, उसको चेंज करो, जो उसमें कमियां थी उसको ओवरकम करो और उसकी वजह से आप हाइपरटेंशन को ठीक करो, पहला हो गया। दूसरा हो गया रिड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, रिड्यूस सॉल्ट एंड सोडियम इनटेक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम होता है वो मेन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने, ब्लड प्रेशर में मेन सोडियम रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर आपने सोडियम के इनटेक को कम नहीं किया, और ब्लड प्रेशर बढ़ाने में सोडियम का बहुत बड़ा रोल है, अगर आपने उसको कम नहीं किया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। तो इसलिए जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन है उनको कम नमक खाने के लिए बोला जाता है। थर्ड, इंक्रीज़ फिजिकल एक्टिविटी। इंक्रीज़ फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें आप करिए, आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, क्योंकि डायबिटीज़ भी आपके हाइपरटेंशन को इंक्रीज़ करता है। आप अल्कोहल का कंजम्पशन कम करिए, फैट का कंजम्पशन कम करिए, और एक हेल्दी वेट मेंटेन करिए। हेल्दी वेट मेंटेन करने का मतलब है कि आपको एक अपने अपने अपनी हाइट और अपने एज के हिसाब से अपना वेट मेंटेन करना है, आपको ओवर वेट नहीं होना, क्योंकि ये देखा गया है कि जो पर्सन ओवर वेट होता है उसमें हाइपरटेंशन या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, ऐसा ट्रीटमेंट्स जिसपे हम दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहली दवाई है, अगर आपने फार्माकोलॉजी में हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने कुछ शॉर्ट में आपको लिखवा दिया है, बाकी आप फार्माकोलॉजी में डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में थायाजाइड। थायाजाइड्स क्या होते हैं, थायाजाइड्स का मेन काम होता है ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम को कम करते हैं। देखिए, अगर आपने किडनी का स्ट्रक्चर, अगर आपने किडनी की फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो अगर सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कम होगा,
अगर आपकी बॉडी में सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कम होगा, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन मतलब रीअब्सॉर्प्शन मतलब दोबारा वो ब्लड में आ रही है, अगर उसका रीअब्सॉर्प्शन कम होगा तो इसका मतलब उसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा। जब ये नहीं हो पाएगा तो उसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा, जब उसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो इसका मतलब सोडियम आपकी बॉडी से निकल रहा है। जब निकलेगा सोडियम आपकी बॉडी से तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी आपकी जो ये ब्लड है उसमें सोडियम की अमाउंट कम होगी। जब अमाउंट ऑफ सोडियम ये लेस होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा या फिर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इसके थायराइड्स के एग्जांपल क्या है, फेरोसिमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके क्लासिफिकेशन में दूसरी कैटेगरी है एस इनहिबिटर। अब एस का फुल फॉर्म क्या है, एस का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये है एस का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा गया है एस इनहिबिटर, देखिए एस इनहिबिटर एस एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन के सेकंड को कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन ये ड्रग्स क्या करती हैं, इस एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम एस है उसको इनहिबिट होने का काम करती हैं। अब क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में जो कन्वर्ट होता है, ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को पहली बात तो इंक्रीज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, दूसरा ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। यानी जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो आपकी जो आपकी वेसल्स हैं अगर कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो ये वेसल्स कैसी हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, मतलब छोटी हो जाएंगी। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और एल्डोस्टेरोन के अमाउंट को भी बढ़ता है। अब एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या होता है, ये सोडियम, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम का इनटेक बढ़ा देता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर आप सोडियम का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम का अमाउंट जब बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, गैबप्रोप्रिल एंड इनालाप्रिल। नेक्स्ट आपकी ड्रग है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होती है, जो आपका ये एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पे बनता है ना, इस ही एंजियोटेंसिन सेकंड 81 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। अब क्या है, अगर आपने इस रिसेप्टर जहां पे ये 81 जहां पे आपका ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो बाइंड हो रहा है, वो 81 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, अब आपने इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब क्या है, अब ये एंजियोटेंसिन इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। जब ये बाइंड नहीं हो पाएगा और ये बाइंड होने के बाद कर क्या रहा था, ये बाइंड होने के बाद क्या करता था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता था। लेकिन अब क्योंकि ये जाके बाइंड नहीं हो पा रहा है तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ना करके अब क्या करेगा, वैसो डायलेशन, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम अपना जो काम है वो कर ही नहीं पा रहा, तो अब ये क्या करेगा, वैसो डायलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी है इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल वैसे है लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख दे रही हूँ, लोसार्टेन टेलमिसार्टेन। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्रोकर क्या है, ये आपका जो कैल्शियम चैनल ब्रोकर, नाम से ही आइडेंटिफाई है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब ये कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करेंगे। अब कैल्शियम का चैनल का काम क्या होगा भाई, वो कैल्शियम का चैनल क्या करेगा, कैल्शियम का चैनल कैल्शियम की एंट्री को ही तो मेंटेन करेगा, तो इसको ये ब्लॉक करेंगे। अब उसके ब्लॉक करने से क्या होगा, वैसो डायलेशन की कंडीशन डेवलप होती है और जब वैसो डायलेशन होगा तो आपका बीपी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए वैसो डायलेशन होता है मतलब क्या है, आपकी ये वेसल है, ये नॉर्मल वेसल है, अब अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो ये वेसल छोटी हो जा रही है। ठीक है, ये वेसल छोटी हो जा रही है, ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन में, और यही वेसल जब डायलेट होती है, जो नॉर्मल वेसल है उससे ज़्यादा बड़ी हो गई, अब ये होगी वैसो डायलेशन और ये हो गया हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वैसो डायलेशन। अब क्या है, जब हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसका जो ये एरिया है वो कम है, क्यों कम है,
क्योंकि जो आपका जो ब्लड जो हाइपर टेंशन है, हाइपर टेंशन में होता क्या है बेसिकली, जो ये आपका हाइपर टेंशन, इसमें आपका जो ये ब्लड जो इसमें प्रेशर लगा रहा है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ जा रहा है। लेकिन अभी क्या है, हाइपर टेंशन में ये एरिया नैरो हो जाता है ड्यू टू सम रीजन्स, प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो प्लैक का फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद जो है आपका जो है हाइपर कोलेस्ट्रॉल हुआ है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो जो एरिया है वो नैरो हो गया। अब नैरो हो गया तो आपका जो प्रेशर है वो तो बढ़ गया। अब अगर कोई भी चीज़ वैसो डायलेशन कर रही है तो वो इस एरिया को बढ़ा रही है ना, जो एरिया जिसमें से ब्लड आपका फ्लो करेगा वो उस एरिया को बढ़ा रही है। जब उस एरिया को बढ़ाएगी तो अल्टीमेटली आपका बीपी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और अगर वो इसी एरिया को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे तो आपका बीपी तो पहले से हाई है, और इस एरिया को फिर से जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो आपका बीपी और हाई हो जाएगा। तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए, आपको इस वेसल को डायलेट करना है, ठीक है। तो आपको इस वेसल को डायलेट करना है तो आप ऐसे ड्रग्स दोगे जो कि वैसो डायलेशन का काम करेंगे, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वही काम कर रहा है, ये आपके वैसो डायलेशन का काम कर रहा है। इसके एग्जाम्पल है नेफिडिपिन, एम्लोडिपिन एंड वेरापामिन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इनका काम क्या होता है, ये हार्ट रेट को कम करते हैं जिससे कि कार्डियक आउटपुट आपका कम होता है, कार्डियक उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, एटेनोलॉल मेटोप्रोलॉल, ठीक है। ये सारी वो ड्रग्स हैं जिनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए वो कैसे काम करती हैं ये बताती हैं। इसके अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर हो गई, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गया। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन का काम करता है। अगर हम इसका एंटागोनिस्ट दे देंगे तो वो प्रोसेस नहीं होगी जिसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन ओवरकम हो जाएगा। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हो गए, ये सारे ड्रग्स क्या है, इनके अलावा और भी कैटेगरीज हैं जिनके आपको जो हाइपरटेंशन में यूज होती है। अच्छा, अगर कभी आपने किसी पेशेंट को देखा होगा हाइपरटेंशन के, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उनको ना कॉम्बिनेशन थेरेपीज दी जाती है। कॉम्बिनेशन थेरेपी का मतलब होता है कि हम एक साथ दो ड्रग्स को दे रहे हैं, एक साथ हम सिंगल प्लेन ड्रग ना देकर के दो ड्रग को दे रहे हैं। अब वो क्यों देते हैं, एंटागोनिस्टिक एक्शन के लिए देते हैं। तो जब हम उसको दे रहे हैं तो वो क्या करती है, वो आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको डाउन करती है और सिनर्जेस्टिक इफेक्ट दिखाती है। तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो हम प्रिफर करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें एक आपको इसको समझने के लिए इसके आपको रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उसको समझना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें बोल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।